महाराष्ट्र सरकार के गठन पर नितिन गडकरी का बयान सामने आया, कहा कि कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी के बीच वैचारिक मतभेद, सरकार बनने पर भी सरकार बहुत आगे नहीं बढ़ेगी। ये कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। इसका मतलब यह भी लगाया जा सकता है कि आज शाम सब कुछ क्लियर हो जाएगा नए गठबंधन की, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। तभी शायद केंद्रीय मंत्री ने इस बात को साफ किया कि तीन दलों की अभी जो सरकार बनने जा रही है इसमें वैचारिक मतभेद हैं, लंबी नहीं चल पाएगी सरकार। महाराष्ट्र सरकार का गठन हो सकता है बहुत जल्द, क्योंकि आज आपको बता दें एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस आखिरकार उस नतीजे पर पहुंच चुकी है जहां सर्वसम्मति बन चुकी है और इसके बाद गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा। हो सकता है अगले तीन से चार दिनों में शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने अब अपने शब्दों में यह कहा है कि यह सरकार बनती भी है तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तीर उनका यह है कि वैचारिक मतभेद हैं तीनों बड़ी पार्टियों में, शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस। कभी एनसीपी कांग्रेस से अलग होकर बनी और उसके बाद शिवसेना की हिंदुत्व वाली राजनीति सालों से लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन अब एनसीपी और कांग्रेस के साथ अब यह सरकार बनती है। तीन तीन धड़ों में बटी हुई यह सरकार होगी, कैसे ये इतना लंबा चल पाएगी अपने आप में सवाल है, लेकिन इस सवाल को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अब खड़ा भी किया है।